अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे मीठी टिक्कियाँ। आज मैं आपको परफेक्ट मेजरिंग के साथ बताऊँगी ताकि जब आप भी बनाएं आपकी मीठी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे मैं ले लूँगी अब 2 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है, साथ ही मैं इसमें क्रश किया हुआ नारियल डाल दूँगी आधी प्याली। आधी प्याली हम तिल डाल देंगे, आधी प्याली हम सूजी डाल देंगे। सूजी मैंने दानेदार ली है, एक चाय का चमचा मैंने इसमें कुटी हुई इलायची ले ली है, 2 कप पाउडर शुगर ले ली है। आप इसमें पाउडर शुगर ही लीजिएगा। पाउडर शुगर से क्या होता है कि हमें आटा गूंदने में आसानी हो जाती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी डाल दूंगी। घी डालने से क्या होगा, हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है कि बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। अब हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो क्या होगा, हमारा आटा नरम हो जाएगा तो हमारी टिक्कियाँ जो है वो आसानी से नहीं बन पाएंगी। मैं आपको यहाँ प्रॉपर दिखा रही हूँ क्योंकि टिक्कियाँ बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आटा और चीनी मिल जाती है तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको प्रॉपर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दूध जो है वो आप थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आप पानी से भी गूंद सकते हैं, दूध से भी गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे टोटली मुझे जो है ना वो आधा कप लगा है मेरा दूध, बस आप इतना ही लीजिएगा। अगर आप मेजरिंग इसकी परफेक्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अब जो है मैं इसको घूम के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। ये देखें, टोटली हमें सिर्फ इसमें आधा कप दूध लगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसको जितना आप अच्छा गूंदेंगे उतनी टिक्कियाँ हमारी अंदर से जूसी बनेंगी। इस तरह से हम मुट्ठी लगा के गूंदेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बस वैसे ही हमें ये गूंदना है। ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। मैंने यहाँ इसको 5 मिनट रख दिया था। अब फिर से मैंने इसको, अब टिक्कियाँ बनाऊंगी तो फिर से मैंने इसको मुट्ठी लगा ली है। अच्छा, आप भी ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स से क्या होगा कि हमें टिक्कियाँ बनाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ हमें इन टिक्कियों को बेलने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही किसी कटर की ज़रूरत है। हम इजीली आराम से ग्लव्स पहन के बना सकते हैं। यहाँ मैंने हाथों पे अपने ऑयल लगा लिया है। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कितनी मिनटों में बन जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि हमारी जल्दी जल्दी बन जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरी टिक्कियाँ कितनी आसानी से और इस तरह से क्या होंगी कि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत ही मिनटों में बन जाएंगी। मैं आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम में बनाएं तो इंशाल्लाह उनकी भी बहुत अच्छी बने। अब इनको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे।
प्रॉपर दिखाने का मकसद ये है कि जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, उनको भी कोई दिक्कत ना हो बनाने में। वरना वीडियो स्किप करके भी मैं आपको दिखा सकती थी। ये देखें कितनी मिनटों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ कितनी मिनटों में बन रही हैं। अब हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा यहाँ गर्म होना चाहिए। जैसे ही हम टिक्कियाँ डालेंगे तो हम आँच हल्की कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी अंदर तक टिक्कियाँ पक जाएंगी। अब हम इनको हल्के हाथ से पलट लेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पलटिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ बहुत ही नरम होती हैं, यहाँ पर हमारी टूट भी सकती हैं, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इनको पलटिएगा। मेरा प्रॉपर दिखाने का मकसद यही है कि जो भी टिक्कियाँ बनाएं इंशाल्लाह उनकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। आप इसकी मेजरिंग परफेक्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं सारी निकाल लूँगी। टिक्कियाँ हम जब निकाल लेते हैं तो टिक्कियाँ हमारी क्या होती हैं, बहुत नरम होती हैं, रखने के बाद ये हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने सारी निकाल दी है, ये आप देख सकते हैं इनका कलर। अब हम बाकी भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सारी आप एक साथ बना लेंगे तो आप बस जो है ना बस डालते जाएं और निकालते जाएं बस। जब आप टिक्कियाँ बनाएं तो उस ट्रे को या जिसमें भी आप रख रहे हैं उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो नीचे चिपके ना। ये भी हो गई हैं हमारी। देख सकते हैं माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ कितनी प्यारी बनी हैं और कितना प्यारा इन पे कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।